नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके की वीडियो को बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार के नेम आर्ट वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आगे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इसको दबा देना है और 16:9 का रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, जिसका लेंथ आप जितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हैं उतना सेकंड का आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में जो मटेरियल का लिंक दिया है वो सिंपली आपको उनको डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा वो वीडियो है, किसी इस तरीके से ये हमारा वीडियो है, बैकग्राउंड वीडियो है। इसे सिंपली कैंची के बगल में जो बॉक्स है दाहिनी तरफ, इस पर क्लिक करना है और ये इसे फुल स्क्रीन कर देना है, कुछ इस तरीके से कर देना है। इसके बाद हमें PNG को ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, ओवरले में जाना है और हमें एकदम नीचे एकदम चले आना है। नीचे गेट मोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट ऑन हो तभी ये काम करेगा। इसके बाद दोस्तों सेलिब्रेशन दिख रहा है सेकंड नंबर पे, इस पर क्लिक करना है और नीचे जाना है। नीचे जाना है, आपको दिवाली वाले इफ़ेक्ट को खोज लेना है। ये दिवाली वाला इफेक्ट है, इसे क्लिक करना है। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद बैक जाना है, पूरा बैक जाना है और उस दिवाली वाले इफेक्ट को ले लेना है। ये दिवाली वाला इफेक्ट है। इसके बाद इसमें हमें ये वाला इफेक्ट, ये वाला PNG को ले लेना है। इसे सिंपली वीडियो कोने से खींच के बड़ा कर देना है इस तरीके से और इसे यहाँ पे हमें रख देना है, कुछ इस प्रकार से थोड़ा छोटा कर लेना है। इस तरीके से ये PNG हो जाएगा। उसके बाद बाईं तरफ आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाले लेयर को लेके आना है, इधर कर देना है, कुछ इस तरीके से कर देना है, बराबर हमें रख देना है। और नीचे जाना है दाहिनी तरफ और रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, रोटेट एंड मिररिंग, इस पर क्लिक करना है और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है ताकि ये इस तरह से घूम जाए। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें टेक्स्ट वाले PNG को लेके आना है। इसके लिए लेयर में जाना है, ओवरले में जाना है और फिर से दिवाली वाले इफेक्ट में जाना है और आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ये वाला लिया था तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ और इसे यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों अब पटाखा जहाँ फूट रहा है इस तरीके से, यहाँ फूट रहा है पटाखा इस तरीके से, यहाँ पे कर्सर को ले जाना है और इस पर क्लिक करना है टेक्स्ट वाले लेयर पर और देखिए दाहिनी तरफ ट्रिम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना है। उसी प्रकार सभी में हमें कर देना है, इस पर क्लिक करना है और ट्रिम में जाना है, ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना है, फिर से इसमें जाना है, ट्रिम में जाना है और ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा तीनों में। और फिर से इस पर क्लिक करना है, तीनों लेयर पे फिर से क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और ये देखिए दाहिनी तरफ एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, सर्कल, 3 सर्कल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे फेड कर देना है और फेड का स्पीड हमें 3 कर देना है। इसी प्रकार इसमें भी हमें कर लेना है, ये 3 सर्कल दिख रहा है दाहिनी तरफ, इस पर क्लिक करना है और इसे फेड कर देना है। इसी प्रकार इसमें भी करना है, दाहिनी तरफ आपको 3 सर्कल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे फेड कर देना है। तो ये स्मूथली आता हुआ नज़र आएगा। सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों इसे सेव और शेयर करने के लिए बाईं तरफ जो शेयर का बटन, इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के साइज़ को चुनकर सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।